प्रवर्तन निदेशालय को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की तर्ज पर नियुक्ति घोटाला होने की आशंका है। आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर से मिले जो दस्तावेज और उसके इशारे पर जेएसएससी के अधिकारियों के तबादले को लेकर इसकी आशंका जताई जा रही है। ईडी ने मामले की जांच के लिए पिछले ही सप्ताह से पुलिस से आयोग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी और जांच से संबंधित दस्तावेज की मांग की है। आपको बता दें कि जेपीएससी की तर्ज की तरह जेएसएससी में भी नियुक्ति घोटाले की आशंका जताई जा रही है, जहां विनोद सिंह के घर से दस्तावेज मिले हैं और उसके इशारे पर ही तबादलों का ईडी का शक जो है वो गहराया है। विनोद सिंह के घर दस्तावेज मिले, तबादलों से ईडी का शक गहराया। पुलिस आयोग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी और जांच से दस्तावेज, जहां आपको बता दें जुलाई 2022 में भी जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जहां इसी वजह से जेपीएससी की तरह जेएसएससी में भी नियुक्ति घोटाले की आशंका जाहिर की जा रही है। जेपीएससी की तरह ही जेएसएससी में भी नियुक्ति घोटाले की आशंका आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर से दस्तावेज मिले और उसके इशारे पर जेएसएससी के अधिकारियों के तबादले को लेकर इसकी आशंका जताई जा रही है। ईडी ने मामले की जांच के लिए पिछले ही सप्ताह पुलिस से आयोग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी और जांच से संबंधित दस्तावेज की मांग की है। विनोद सिंह के जो घर दस्तावेज मिले उसी से ईडी का शक गहराया, जहां जेपीएससी की तरह जेएसएससी में भी नियुक्ति घोटाले की आशंका की बात सामने आ रही है। और दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए जेपीएससी की तरह ही जो जेएसएससी में भी नियुक्ति घोटाला हुआ है उसकी आशंका जाहिर की जा रही है, जहां विनोद सिंह के घर से जो दस्तावेज मिले हैं उसके वजह से ईडी का शक गहराता नजर आ रहा है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जेएसएससी हुआ था और जिस दिन एग्जाम हुआ उसी दिन शाम में यह पता चला, ये खबरें निकल कर आई कि पेपर लीक हुआ है, उसके बाद इसे पोस्टपोन किया गया। राज्य सरकार के द्वारा एसआईटी गठित की गई और वो एसआईटी के जो टीम है वो रांची, पटना और चेन्नई में छापेमारी की और छापेमारी में 11 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है और 11 लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात है कि जितने लोगों से पूछताछ एसआईटी की टीम कर रही है उनमें कोई भी जेएसएससी के कर्मी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए जिस तरीके से जांच बढ़ेगा उसके बाद कई परत दर परत चीजें खुलेगी, लेकिन एक तरफ जहां एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और दूसरी तरफ जो ईडी ने बीते माह जो छापेमारी की थी आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के ठिकाने पर जब छापेमारी हुई थी तो उस छापेमारी में जेएसएससी से संबंधित एडमिट कार्ड और कई अहम दस्तावेज ईडी ने बरामद किया था और उससे जब खंगाला गया और जैसे ही ये जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा पेपर लीक होने का मामला सामने आया तो उसको लेकर जिस तरीके से ईडी ने यह आशंका जाहिर की है और चूंकि जो दस्तावेज और एडमिट कार्ड ईडी ने बरामद किया था उसके मुताबिक यह आशंका जाहिर की है कि झारखंड प्रदेश में जेपीएससी के तर्ज पर जेएसएससी में भी बड़ा घोटाला का कहीं ना कहीं बू आ रहा है। तो वैसे में अब जिस तरीके से एक तरफ एसआईटी की टीम जांच कर रही है दूसरी तरफ इस मामले को लेकर ईडी भी कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, तो आने वाले समय में कई अहम खुलासे हो सकते हैं इस मामले को लेकर। चूंकि झारखंड प्रदेश में जब जब भी जेपीएससी का एग्जाम हुआ है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है और जेएसएससी भी कहीं ना कहीं उसी तर्ज पर इसकी जो है वो चीजें दिखाई दे रही है, तो वैसे में कहीं ना कहीं वैसे अभ्यर्थी जो काफी मेहनत करते हैं, काफी लंबे समय तक परीक्षा का इंतजार करते हैं और कहीं ना कहीं जब पेपर लीक हो जाता है, भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है, तो कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों का, अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो अधर में लटक जाता है। चूंकि ये जो अभी जिस
जीएल का जो एग्जाम हुआ था बीते माह 2025 सीट के लिए इसका एग्जाम हुआ था, 6.5 लाख कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए थे। आप समझ सकते हैं कि 6.5 लाख लोग इसमें अप्लाई किए थे 2025 सीट के लिए, और वो भी कई बार जो है एग्जाम को रद्द किया गया था, एक लंबे अंतराल के बाद एग्जाम हुआ था, और वो भी एग्जाम कह सकते हैं कि वो पेपर लीक हो जाने की वजह से वो एक तरह से भ्रष्टाचार का जो है वो चीजें सामने दिखाई दे रही है। तो वैसे में अभ्यर्थियों के लिए काफी निराशाजनक चीजें हो जाती है जब किस पेपर लीक हो जाता है या भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। अब देखना होगा कि जिस तरीका से एसआईटी की टीम जो है वो जांच कर रही है, दूसरी तरफ ईडी की टीम भी जो इस मामले को लेकर गंभीरता से अगर जांच कर रही है, तो कई अहम जो खुलासे है, जो जानकारी है, वो आने वाले समय में होंगे, और जो भी इस मामले में दोषी होंगे उस पर भी बड़ी कार्रवाई जो है वो होगी। सुना जी, बिल्कुल दीपक, तो कई अहम खुलासे हो सकते हैं जब एसआईटी भी इस मामले में जांच करे और ईडी भी अब इस मामले में जांच करेगी, तो कई अहम खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि एसआईटी का छापा 3 जगहों पर पड़ा है, जहां पटना, चेन्नई और रांची में एसआईटी का छापा पड़ा, जहां 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 5 पेपर वायरल करने में शामिल थे। लेकिन वही खास बात कि कोई भी जो एसएससी का कर्मचारी नहीं है इसमें, और वही इसके जो तार है वो विनोद सिंह से जुड़ते नजर आ रहे, क्योंकि दस्तावेज उनके घर से मिले थे जिनके इशारे पे तबादले हुए थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।